आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से, सब्जेक्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट कोड 102, चैप्टर है सेवेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर सेवेंथ का टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। माना कि किसी बिंदु ओ पर कोई बिंदुवत आवेश क्यों रखा हुआ है। इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु है पी, जिस पे एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो इस आवेश Q के कारण बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो वो क्या होगी उसे हम निकालते हैं। अब हमारे पास दो आवेश हैं, बिंदु O पे है बिंदुवत आवेश Q और बिंदु P पे है परीक्षण आवेश Q0। तो कूलाम के नियमानुसार बिंदुवत आवेश Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के बीच में लगने वाला कूलाम बल कितना होगा, F बराबर के Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। किस में होगा, बल न्यूटन में। और बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने को पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, F बटा Q0 यानी एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F की वैल्यू अपने को पता है, F बराबर होता है K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से F की वैल्यू उठा के रखी जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बच जाएगा, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। और किस में होगी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम, क्योंकि F बटा Q0 था। इसलिए बिंदुवत आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पे लगने वाला जो बल F है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का है तथा इसकी दिशा OP होगी। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी OP दिशा की अनुदिश होगी, क्योंकि E का फॉर्मूला है KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी E प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश Q के कारण बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आती है KQ अपॉन R स्क्वायर, जो कि R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है।